हेलो स्टूडेंट, तो मैं आप चलते हैं आपको, मैं देखिए मातम समापवर्तक यानी SCF सिखाया था, तो SCF में आपको मैं कुछ देखिए कुछ सवाल लिख दिया हूँ, इसको आप हल कीजिए। इसको मैं इतना छोटा छोटा इसलिए दिया हूँ क्योंकि छोटे बड़े बच्चे यदि किसी को ना समझ में आता हो वो भी समझ जाएगा। तो हम चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, सबसे पहले हम किसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जब करेंगे, देखिए क्या दिया, 12 14 में जब हम SCF निकालेंगे क्या हमको निकालना है HCF, हमको क्या निकालना है HCF। जब हम 12 और 14 का SCF निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 12 और 14 का SCF निकालिए, देखिए 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3, तो क्या होगा 12 क्या होगा 2 × 2 × 3 इक्वल टू मान लीजिए 2 × 4 = 12, यानी 12 लिख लीजिएगा। इससे मतलब मैं लेती हूँ कि LCM निकाला जाता है तब ये सब लिखा जाता है। हमको क्या करना है, बस इतना ही लिखना है SCF में, बस आपको इतना लिखना है, बस इतना लिखना है, उसके बाद इसका भी निकालना है 2 7 14 7 1 7, तो आपको नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 × 7 लिख देंगे, उसके बाद हमको देखिए हमको केवल इसमें देखना है नीचे ऊपर क्या होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। देखिए ये दोनों समान है, लेकिन इसमें देखिए 2 साथ समान नहीं है, 3 साथ समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, केवल आपका SCF क्या होगा, SCF आपका 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। तो अब चलते हैं, देखिए दूसरा क्या दिया है, 25 और 20 का क्या लीजिए SCF निकालिए, क्या निकालिए HCF निकालिए। तो देखते हैं, ये भी देख लेते हैं, देखिए 25 और 20 का, देखिए 25 और 20 का ये आपका क्या हो गया 20, ये आपका क्या हो गया 25। देखिए 2 से निकालेंगे कितने बार निकलेगा, 10 बार, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 × 2 × 5। और इसको हम देखिए ये सीधा सीधा देखिए 5 आ जाएगा, 5 × 25 = 5, तो देखिए क्या लिखेंगे 5 × 5। तो देखिए 2 और 5 बराबर नहीं है, 2 5 बराबर नहीं है, लेकिन 5 5 क्या है इसमें एक समान है, इसको ऐसे कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा HCF इसका कितना होगा 20 और 25 का HCF क्या होगा, केवल 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात, देखिए तीसरा क्या दिया है 24 और 48 का SCF ज्ञात कीजिए। तो हम इसका SCF ज्ञात करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं, देखिए लिख लीजिए 24 और क्या दिया है 48। जब हम इसका SCF निकालेंगे, देखिए 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 × 3 = 3, तो आपका क्या आ गया, देखिए 2 × 2 × 2 × 3, तो देखिए कितना आ गया, इसको देखते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 × 3 = 3, तो क्या लिखेंगे, देखिए 2 × 2 × 2 × 2, देखिए 4 है 2 × 3। तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए इसको हम करेंगे क्या, देखिए ये समान है तो इसको ऐसे कर लेंगे, ये समान है तो इसको ऐसे कर लेंगे, या भी समान एक ही समान है तो इसको भी कर लेंगे। देखिए इसमें 2 तो अब नहीं है, ऊपर 2 नहीं है बचा, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे, क्या करेंगे ऐसे, तो यही समान है तो देखिए हम इसको क्या करेंगे 2 × 2 × 2, देखिए कितने, देखिए 1 2 3 4, 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 24, कितना होगा 24 हो जाएगा। तो हम चलते हैं चौथे सवाल पे, तो देखिए देखो बच्चे
चौथा सवाल आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको एशियप हमने सीख लिया होगा, अब चौथा देखते हैं, चौथा क्या दे रहा है 3246 का, ये आप कमेंट में बता दीजिएगा, इसमें बताइएगा कमेंट में बताइएगा। हम चलते हैं पांचवे पे, 4252 का निकालते हैं, 4252 पे। तो 4252 क्या दिया है, 4252 को हम देखते हैं, देखिए तो आपका चौथा किसमें बताना है, कमेंट में। मैं आप लोग का कमेंट जरूर देखूंगा, कमेंट आप देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। देखिए 4252 में, देखिए 4252, देखिए 2×2=4, 2×1=2, 3×7=21, 7×7 तो क्या आ जाएगा 2×3×7। उसके बाद यह क्या होगा, देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 2×2=4, 4×2=12, यानी 26×52 होता है। तो देखिए उसके बाद फिर 2 से जाएगा, 2×2=2, 2×3=6, 13×1=13 तो क्या हो जाएगा 2×2×2×13। तब इसमें देखिए एक ही गोला पड़ गया, क्या होगा 2 हो जाएगा, एचसीएफ कितना होगा 2 होगा। तो अब चलते हैं तो हम किस पे चलते हैं, देखिए छठवें पे चलते हैं, ये आपका पांचवा था, चौथा आपको कमेंट करके बताना है आपको एचसीएफ किसका, 3246 का एचसीएफ आपको निकालना है, तो आप निकाल कर हमें कमेंट में बता दीजिएगा। अब छठवें पे चलते हैं, छठवां क्या दिया है आपका, 74 दिया है और 92 दिया है, क्या दिया है 92 दिया है। देखिए 2×3=6, 2×7=14, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, देखिए 37 किसी टेबल में आता है, आज तक आपने कभी किसी टेबल में 37 को पढ़ा है, हाँ तो हम क्या करेंगे 37×37 होगा कि नहीं होगा, देखिए केवल इसको क्या करेंगे 37×37, क्योंकि ये किसी टेबल में नहीं आएगा, ये अपने आप से कटेगा। तो देखिए 3×3=8, 2×4=12, 2×2=6, 2×3=6, तो हम तो देखते हैं 23 भी किसी से नहीं कटेगा, तो क्या होगा, देखिए 23 को किसी से जाएगा नहीं, तो अभी क्या होगा 23×2 तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 2×47 2×2×23 तो आप यही पार लगे, इसका बेस से क्या हो गया 2 हो गया। तो अब चलते हैं किसमें, सातवें पे, सातवां आपका दिया है 84 और 98, तो 84 और 98 को हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं 84 और 98 98 2×8=2×4 2×4=2×3=21 7×7 तो देखिए देखिए इसका देखिए 2×8=2×18 उसके बाद इसको हम कैसे काटेंगे, इसको 49 को कितने 77 कितना होता है, देखिए जब 7 का 7 में इंटू कर देंगे, 7 को 7 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 77 कितना होता है 49 होता है, तो देखिए 77×49 कौन हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखेंगे 2×2×3×7 2×7×7 तो देखिए हम ये समान है दोनों नीचे ऊपर, उसके बाद ये दोनों समान है नीचे ऊपर, तो हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे 2×7=14, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा किसका, सातवें का, देखिए 74 और 92 का। तो हम चलते हैं आठवें पे, आठवां आप कमेंट में करके बताइएगा, चौथा और आठवां आपको क्या करना है कमेंट में बताना है। तो आठवां क्या है, देखिए
चौरानवे और 102, चौरानवे और 102 हुआ तो किसमें बताना है, कमेंट कमी बताना है, तो हम नौवा बता देते हैं आपको। नौवा दिया 104, 104, 136, 136, 25 10, 2 2 4। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, 2 2 4, 2 2 कितना होता है 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6 13। और इसका 136 का देखिए क्या करेंगे, 2 उतार लेंगे, 2 6 12, 2 3 6, तो देखिए 3 3 6 6 12 कितना हो जाएगा, 3 3 6 6 12, आप देखिए 73 होगा, 2 7 14, 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14, यह आपका 73 होगा। 73 कितना होगा, 3 3 6, सबसे पहले 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं कट सकता है, 2 से काटेंगे। देखिए 2 से काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यदि हम 2 से काटते हैं इसको तो 2 6 12 और ये 2 8 16, तो 2 से कटेगा यानी 68 बार में, कितने बार में, 68 बार में तो कटेगा, 2 से कटेगा। उसके बाद देखिए 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, उसके बाद 34 आ गया। देखिए 34 को हम किस तरह काटेंगे, 2 1 2, 2 1 2, और 2 7 14, उसके बाद देखिए 17 का 17 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ रही हो ना, देखो देखो, अच्छा समझ में ना आए तो पूछ लेना। 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, देखो इसमें देखो इसमें देखो देखो ये हो गया आपका। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखो कैसे करना है, देखो देखो दोनों, देखो दोनों समान है, तीनों समान है ना, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 उतार लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे, क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे, तो इंटू करेंगे तो कितना आएगा, हाँ तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो आपका ये क्या होगा। तो चलते हैं दसवें सवाल पे, दसवां सवाल क्या कह रहा है, दसवां दिया 110, इसका निकाल सकती हो कि नहीं सकती हो, निकाल सकती हूँ, हाँ तो चलो देखो 114 का, तो चलो देखो इसका हम निकालते हैं, तुम नोटबुक में निकालो, अपने नोटबुक में भी क्या करो, निकालो नोटबुक में, सबसे पहले निकाल कर हमको आंसर जल्दी से दिखाओ, कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है दिखाओ जल्दी से, कितना आ रहा है हम देख रहे हैं, तुम लोग का आंसर, तो चलो जल्दी से करो जल्दी से करो जल्दी से करो, हम देख रहे हैं तुम लोग का, देख रहे हैं तुम लोग अब तक कर लेते हो, उसके बाद मैं जल्द से जल्द लगाने वाला हूँ, तो तुम लोग जल्दी से जल्दी जल्द से जल्द करो। तो चलते हैं, कितने बार में आ रहा है, कितने बार में आ रहा है, और नहीं आया कितना आया है, इसको तो पहले सबसे पहले 9 3 3 से काटो, इसको 3 से काटोगी, देखो यही आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम इसको समझा रहे हैं, देखिए देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको सर 3 1 3 कर देंगे, 3 1 3 और उसमें 2 बच गया, तो यहाँ पे 27 हो गया, 3 9 27 कितना होता है, 3 9 27, इसको देखिए 90 से 90 में इंटू करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, हम तो केवल एशियम निकालना है, क्या निकालना है एशियम, तो इसको देखो
तो देखो इसमें केवल एक ही दोनों समान है, नीचे ऊपर ना होता हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा, टू होगा। अरे तुम टू बता रहे लेकिन ये तो हल करो। देखो सबसे पहले तो आप इसको हल करना सीख लो, हल करना सीख लोगे तो सारे आ जाएंगे। तो चलते हैं अब आपका 10 पूरा हो गया, कल से लाएंगे 10 से 20, 10 से कहाँ से 11 से 20 तक, 11 से 20 तक आप लाएंगे। जैसे इससे थोड़ा हार्ड होगा ये आपका, अगर न समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप लोग को, तुम लोग भी सुन लो, तुम लोग भी बता देना, इसलिए कि आना जरूरी है, क्योंकि आप लोग जब जाएंगे 12th पास करेंगे, आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोग का ये सब बहुत पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब कल मिलते हैं।